करते भी अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के शत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब साल्व अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद दो घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण, साल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान कृष्ण मनुष्य से बने गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल्व का बल पुरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आग पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसी बचा ले। मायावी साल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्धि ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे यह घटना देखकर दो घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम स्नेह होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए, परंतु फिर ये जान गए कि यह तो साल्व की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैं दानव ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न महादूत है और न पिता का वह शरीर जैसे स्वप्न में एक दृश्य देख कर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब भी उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहां अज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय तथा कहां भी परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है, भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहां है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब साल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल्व को घायल कर दिया और उसके कवच धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी साल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय साल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी साल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया तब देवता लोग आकाश में दुंदुभी बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर वहां आ पहुंचा।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद उत्तरार्ध में 78वां अध्याय दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथों से सूत जी के वध का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल सालवल पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वीरथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत वक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। श्री कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्र को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिबंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। अरे मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब मैं तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस ना हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभाल कर उसे दंत वक्त के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त्र का कलेजा फट गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए, निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हे परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वे बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवत के भाई का नाम था विदुरथ, वे अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। हे राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल्व उसके विमान और दंत वक्त और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अब आशक्त था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महाभाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े पृष्ठवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थ में स्नान करने के बहाने द्वारिका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रवास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया।
इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः प्रथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। ही परीक्षित, तदंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दोनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग शास्त्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास के